वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। हम तो गाइस आज के वीडियो में आपको जो एम्स ने वैकेंसी निकाली है नर्सिंग ऑफिसर की, उससे रिलेटेड जानकारी देने जा रही हूँ, डिटेल देने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। तो वैकेंसी हैं जो एम्स ऋषिकेश ने निकाली है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो आपको गूगल में जाके, जैसे ही आप एम्स ऋषिकेश को टाइप करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एम्स ऋषिकेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन होती है, aims-ricikesh.education.in पर आप इसको क्लिक कीजिए। और ये वैकेंसी है जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और इसमें आपके लिए फॉर्म फिलअप की डेट से लेके लास्ट डेट तक सभी डिटेल है जो मिल जाएगी। तो आपको जॉब वाले पार्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं, होम पेज पर जाके जॉब वाले पार्ट में क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए जॉब और रिक्रूटमेंट ये पेज ओपन होता है। सीरियल नंबर फर्स्ट में देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, तो ये परमानेंट पोस्ट है आपके लिए और आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल देखते हैं हम। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया हुआ नोटिस है। तो यहाँ पर चले देखते हैं कि आपके जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट नोटिस है, इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है जो 9 नवंबर 2011 से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2012। तो आपके जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, उन्हीं का जो है फॉर्म है जो एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये पोस्ट का नाम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स ऋषिकेश के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है। पे स्केल क्या होगा आपका, वो होगा 9300 से लेके 34800 विथ ग्रेड पे 4600। इसमें लेवल सेवेंथ के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी, तो बनेगी 44900 से लेके 1,42,400 तक। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट है बिटवीन 21 से 30 साल तक के लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टू टाइप की वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी और वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी वो वैकेंसी कहलाती हैं जिसके लिए एम्स ऋषिकेश ने पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया होगा, बट किसी भी कारण से जो पोस्ट है, वैकेंसी है, वो फिलअप नहीं हो पाई हैं, तो उसके लिए फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी वही है। बैकलॉग वैकेंसी जनरल के लिए 118, OBC के लिए 99, ST के लिए 40, SC के लिए 11 और EWS कैंडिडेट के लिए 29 वैकेंसी हैं। और मेन वैकेंसी वो 32 जनरल के लिए, OBC के लिए 20, ST के लिए 11, SC के लिए 5 और EWS के लिए 7। तो टोटल मिला के जनरल के लिए कितनी, 150 हो जाती हैं, OBC के लिए 119, ST के लिए 51, SC के लिए 16 और EWS के लिए 36 वैकेंसी। सभी कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BSc नर्सिंग वाले, पोस्ट बेसिक BSc वाले फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस उनके पास है जो नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों से है जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो GNM कैंडिडेट हैं, वो 2 साल का उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी GNM का जो कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद उनके पास 2 साल का मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट BSc वाले हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या दिए हुए हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 9/11/2019 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 24 दिसंबर 2019। और आपको किसी भी टाइप की डेट ऑफ एग्ज़ाम की डेट है, जो सेंटर है एग्ज़ाम के लिए, वो सभी चीज़ें हैं जो MCCKS की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम है जो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। और जो एडमिट कार्ड है, वो भी आपको एग्ज़ाम के पहले है जो डाउनलोड करने के लिए MCCKS की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो, तो आप जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है उस पर, या फिर जो फ़ोन नंबर है उस पर जाके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल कंडीशन यहाँ पर इन्होंने क्या रखी है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। और जो 9/11/2019 से भरना स्टार्ट होंगे सुबह 10 बजे से 24/12/2019 को रात के 12 बजे के पहले। और जो वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करें, इन्होंने साफ साफ कहा है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इन सभी चीज़ों को मीन्स क्वालिफाई करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनमें,
आप हैं वही कैंडिडेट हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरें और लास्ट डेट के पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दें, क्योंकि उसके बाद है आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं आपके लिए कितना अमाउंट पे करना है, मींस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कितना। और यहाँ पर जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल फ़ी है, जो भी आप पे करते हैं वो एक पोस्ट के लिए, उसमें आपको किसी भी टाइप का रिफंड नहीं दिया जाएगा। जनरल कैंडिडेट उत्तराखंड के रहने ही वाले हैं, जो डोमिसियल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1500 लगेंगे। जनरल कैंडिडेट अदर देन उत्तराखंड के हैं उनको 3000, ओबीसी जो उत्तराखंड के हैं उनको 750, अदर स्टेट के हैं उत्तराखंड के अलावा किसी और स्टेट के हैं तो उनको 1500, और एससी एसटी के लिए 500, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए एग्जाम थे यहाँ पर। तो जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म भेजते हैं वो लोग एक ही पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म जाएगा आपका। और यदि आप 12 बजे के पहले अपना फॉर्म भेजते हैं 24 दिसंबर को, तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिला है, जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की उसके पहले आपको 3 साल का एज लिमिट में वो छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने सभी चीज़ें बताई हुई हैं, तो प्लीज़ जो भी कैंडिडेट हैं फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए इधर किसी भी टाइप का आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मीन्स आप कभी कभी आंसर की आती है उसके बाद ऑब्जेक्शन की भी आती है, मीन्स आप ऑब्जेक्शन कीजिए आंसर पे, सब चीज़ें इसमें नहीं होंगी। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो कॉल लेटर आता है, एडमिट कार्ड आता है, वो सभी डिटेल आपको एमसीसीकेएस की वेबसाइट पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और जो कॉल लेटर है आपका पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाएगा आपको, और जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, एक्चुअल डेट के 15 दिन पहले डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर किसी भी टाइप का TA DA भी नहीं मिलेगा, जो रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए जो भी लोग जाते हैं। और प्रोविजनल पीरियड 2 साल का है, मैंने यहाँ पर आपके साथ सारी डिटेल बता दी। जो भी कैंडिडेट हैं फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।